होंडा लवर के लिए एक बार फिर से मेरा प्रणाम सलाम सत श्री अकाल जोहार। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम होंडा हॉर्नेट को मॉडिफाई करेंगे, इसके कंपनी के स्टिकर को रिमूव करके फिर से रिफ्रेश करने वाले हैं और साथ ही साथ इसमें बहुत सारा मॉडिफाई भी करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास है होंडा हॉर्नेट 160 और आप देख पा रहे हैं इसका जो बॉडी स्टिकर है, जो कंपनी का स्टिकर है, वो कहीं कहीं पे ख़राब हो गया है। अभी आपको दिखा रहे हैं, तो ये जो स्टिकर है यहाँ पर देख पा रहे हैं बिल्कुल ख़राब हो चुका है। हालांकि देखने में तो कलर फेड नहीं हुआ है, लेकिन स्टिकर कहीं पर उखड़ गया है या फिर कहीं पर स्क्रैच हो गया है। तो ये इसका जो स्टिकर है बॉडी, उसको हम चेंज करेंगे, रिमूव करके न्यू स्टिकर वहाँ पर लगाएंगे और ग्रेवेल जो आपने देखा वहाँ पर ऑरेंज कलर का था, उसको भी हम जो है न्यू करेंगे। और साथ ही साथ ये वाइजर देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो वाइजर में भी बहुत सारा स्क्रैच आया हुआ है। तो यहाँ पर बिल्कुल रिफ्रेश के साथ इसको मॉडिफाई करेंगे, स्टिकरिंग मॉडिफाई। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साइलेंसर, इसका एग्जॉस्ट, अगर टाइम मिलता है, वीडियो लंबा नहीं होता है, तो इसका एग्जॉस्ट में भी हम मॉडिफाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर ग्रेवेल में हम जरूर करेंगे। तो चलिएगा, यहाँ पर वीडियो को जल्दी से शुरू कर। तो सबसे पहले इसका जो बॉडी स्टिकर है, इस स्टिकर को, इसका ग्राफिक्स को सबसे पहले हमको रिमूव करना होगा। और इसको रिमूव करने के बाद इसका जो स्टिकर है, इसका जो ग्राफिक्स है, वो हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, जो कि अभी आपको दिखाएंगे, उसकी क्वालिटी भी दिखाएंगे, उसका रिव्यू भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसको रिमूव कर लेते हैं। और इसको जो है फ्रेंड्स, बहुत आसानी से रिमूव ये नहीं होता है, इसके लिए अभी यहाँ पर हॉट एयर गन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हॉट गन मतलब गर्म करके इसको थोड़ा सा नॉर्मल करना होता है इसके गम को, उसके बाद फिर इसको हम बहुत आसानी से इसको रिमूव कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसका स्टिकर को हमने रिमूव कर दिया है और देखिए बिल्कुल लग रहा है एकदम नंगा टाइप में लग रहा है। अगर इसका स्टिकर हटा देते हैं तो लगता है कि इसका कपड़ा ही आप उतार दिया। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इसका जो गम रह गया है स्टिकर का, तो इसको जो है अभी हम जो है ऑयल से इसको निकाल देंगे, और तारपीन ऑयल या पेट्रोल या फिर थिनर, इन तीनों चीज़ में से किसी से भी इसको आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास है इस बाइक की ग्राफिक्स, जो हमने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है, और इसका प्राइस फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं 759 रुपीस में इसको परचेज किया गया है, जो कि इसकी क्वालिटी कैसे है ये अभी आपको दिखाएंगे, इसको निकालेंगे तब इसका फुल डिटेल्स और रिव्यू बताएंगे। और साथ ही ये जो बाइक आप देख पा रहे हैं, इस साइड का स्टिकर हमने रिमूव नहीं किया है, चूँकि ये स्टिकर को देख करके ही हम उस साइड का स्टिकर इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद में फिर इस साइड का स्टिकर को हम रिमूव कर देंगे और उस साइड का जो स्टिकर हम लगाए हैं उससे देख करके इस साइड का भी हम लगा लेंगे। तो इस तरह से ये स्टिकर लगाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इसका जो है क्वालिटी चेक कर लेते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, उसके बाद फिर हम आपको पूरा डिटेल्स इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे फ्रेंड्स, इसका जो पूरा स्टिकर हमने अलग कर रखा है और एक साइड का अलग छाट रहे हैं, आप देख पा रहे हैं अलग अलग। पहले सबसे पहले तो स्टिकर को अलग कर लेना है। तो क्वालिटी के बारे में अगर बात करें तो क्वालिटी इसकी ख़राब नहीं है, अच्छी क्वालिटी है, ठीक ठाक है। और पेपर जो दिया गया है, वो पेपर का एक ऊपर से रेपर भी दिया गया है, जो कि क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और ज़बरदस्त है। अब इसका जो है 6 मंथ के बाद या फिर 1 ईयर के बाद ये क्या परफॉर्मेंस करता है, इसका कलर ठीक रहता है या फिर ख़राब रहता है, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर हमें देखने में ये स्टिकर ठीक लगा।
फ्रेंड्स, इसका स्टिकरिंग कंप्लीट हो गया, इसका जो ग्राफिक्स है वो हमने यहाँ पर फाइनल कर लिया है, और अभी फिलहाल देख लीजिए दोनों साइड हम कंप्लीट कर लिए, फाइनल लुक इसका बाद में दिखाएंगे, और फिलहाल ये जो बच रहा है यहाँ पर अभी आपको दिखाने वाले हैं, और अभी चलते हैं ग्रेवेल की ओर। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ग्रेवेल, यहाँ पर रेडियम साट दिया है, और रेडियम हम साटने मना करते हैं क्योंकि रेडियम क्या होता है कि जैसा आप देख पा रहे, देखिए ये जो है इस तरह से हो जाता है, तो ये बाद में छूटता भी नहीं है, बहुत दिक्कत होता है, और ये जगह जगह पे अपने आप निकल जाता है, तो बाद में बहुत ख़राब हो जाता है, इसलिए रेडियम नहीं लगाना चाहिए। तो इसको फिलहाल अभी हम पूरा निकाल करके यहाँ पर रैपिंग करने वाले हैं, और इधर भी रैपिंग करने वाले हैं, और साथ ही इस साइलेंसर में भी आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए ये सब करके दिखाते हैं, इसका फाइनल लुक आपको इस बाइक का दिखाते हैं। इसके वाइजर में तो हम स्मोक लगा रहे हैं, ब्लैक स्मोक, और ये लगने के बाद बिल्कुल न्यू हो जाएगा और कंपनी के जैसा, और ये पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई पेपर इंस्टॉल किया गया है, एकदम लगेगा कि वो कंपनी का वाइजर है, एक जरा से भी कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। और साइड में तो आप देखें कि यहाँ पर हम कार्बन फाइबर लगाए, हालाँकि इसका कार्बन फाइबर का जो डिज़ाइन है वो टैंक में दिया गया है, इसकी वजह से जो है यहाँ पर हमने कार्बन फाइबर लगाया, जो कि ये भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसका जो ग्रेवेल है वहाँ पर भी हम वही लगाएंगे। तो फिर यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है, इसका एक झलक फाइनल लुक आप यहाँ पर देखिए, एंड में इसका पूरा जो है लुक दिखाएंगे, फुल डिटेल्स दिखाएंगे एंड में, लेकिन यहां पर थोड़ा सा देख लीजिए। और अभी चलते हैं हम ग्रेवेल की ओर। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ग्रेवेल में यहां पर भी हम कार्बन फाइबर इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि ये थोड़ा सा लगाना टफ है, क्योंकि यहाँ पर सलग तो लगा रहे हैं लेकिन पीछे साइड में ज्वाइंट होगा, क्योंकि वहाँ पर ज्वाइंट करना जरूरी है, और थोड़ा सा कर्व है इसके लिए, थोड़ा सा वहाँ पर मुड़ भी जाता है, तो इसको लगाना थोड़ा सा टफ है। तो ये हम कंप्लीट कर लिए, जो कि एक झलक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और इसके बाद फिर बचता है दूसरा ग्रेवेल, तो वो भी हम चुटकी में ही उसको लगा देंगे, हालांकि लगाने में समय लगता है यहाँ पे, लेकिन आपको वीडियो में हम जो है 1-2 सेकंड या 3 सेकंड या 10 सेकंड में आपको दिखा दे रहे हैं, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो ये देख लिए दोनों साइड हमारे ये कम्प्लीट हो गया, लेकिन इसको लगाने में कम से कम 20 मिनट का तो समय लगा भाई एक साइड का, लेकिन यहाँ पर तो हम 20 सेकंड में आपको दोनों दिखा दिए। उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो जगह आप देख पा रहे हैं, ये जगह पर भी थोड़ा सा स्क्रेच था, थोड़ा सा भद्दा टाइप में लग रहा था, भाई साहब ने पहले इसमें स्प्रे पेंट मार दिए थे जिसकी वजह से वो खराब लग रहा था, तो वहां पर भी हम कार्बन फाइबर का यूज कर दिए हैं। और देख पा रहे फ्रेंड्स, ये तीन जगह कार्बन फाइबर, टैंक में भी ओरिजिनल कंपनी ने कार्बन फाइबर का डिजाइन दिया हुआ है, और हमने सामने वाइजर में कार्बन फाइबर, और इसका ग्रेवेल पीछे का साइड यहां पे, और टैंक, और ये तो इसकी वजह से, और ये साइड में भी आप देख पा रहे स्टीकर, बॉडी स्टीकर के नीचे भी कार्बन फाइबर का डिजाइन किया गया है, तो इसकी वजह से बाइक का जो है लुक और खूबसूरत हो जाता है, और साथ ही साथ इसका जो बॉडी स्टीकर है इसका तो डिजाइनिंग काफी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे इसका फाइनल जो है लुक आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, और 200-300 सिनेमेटिक शॉट जो है 3-4 तरह से आपको दिखाएंगे, जो कि ये बाइक आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, ये हम जो है कार्बन फाइबर लगाए थे और स्मोक लगाए थे। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिए। तो हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।